मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। परिवार के सदस्यों के प्रति गंदे सेक्सुअल विचार आना ओसीडी है। ये विचार सबको आते हैं, जैसे सलमान खान जी आपको विचार आ रहे हैं, ये विचार तो सबको आते हैं, लेकिन बाकी लोगों के मन से वो निकल जाते हैं। अच्छा। वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, वो आया गया, निग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन आपके मन में वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है, फंस जाता है सर। उसी से आपको अपराध बोध महसूस होता है, पाप भाव, गिल्टी भाव आते हैं, वही आपकी ओसीडी ओसीडी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका गिल्ट हटाएंगे। ओके सर। जो पाप की फीलिंग है, जो अपराध बोध आपको हो रहा है कि आपने ही किया है, आपसे कुछ बुरा हो रहा है, इस भाव को पहले हटा देंगे, फिर बचेंगे विचार, फिर विचारों को हटा देंगे। तो ये होगा डेढ़ दिन में ही। ओके सर। आपको दो दिन भी नहीं रोकेंगे, आपको मात्र डेढ़ दिन में ठीक करके भेजना मेरा लक्ष्य है, और आप ठीक होकर ही जाओगे। ठीक है सर। मैं आपके भरोसे पे आया था, मैं सोचा था ये दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं हूँ। हाँ। मेरे 2.5 साल हो गया ये दवाइयों से खाली, मेरे बेचैनी बोल तो डॉक्टर बोलता है सोने की गोली देता है, आधी गोली खाए तो सुबह खा लेना, दोपहर हाँ। में आधी गोली खा लेना, एक गोली खाए तो शाम में खा लेना, आधी गोली खाएंगे तो नींद नहीं आएंगे, ऐसा पूरी गोली खाएंगे तो नींद आ जाएंगे। तो डॉक्टर मैं बोलता हूँ मेरे को ऐसा बेचैनी हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ था, बोलो तो ये दवाइयाँ दे देते, मुझे तो मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ सर दवाइयों से। दवाइयाँ आपकी वीडियो देखा था उसी में वाला, ये वीडियो से तो मैं ठीक हो सकता हूँ। हाँ, दवाइयाँ इस रोग के लिए बनी नहीं है, दवाइयाँ आपके लक्षणों को दबा रही है, बस आपके जो कारण है उनको तो हटा ही नहीं रही है। गड़बड़ तो सोच में है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम में है, दिमाग में है। हाँ, दिमाग में है। तो दवाइयां है वो तो खून में जा रही है ना, हमारे विचारों को थोड़ी ना बदलेंगी, वो विचारों को सप्रेस कर सकती हैं, दबा सकती हैं, या कुछ देर के लिए जो हमारा सूचना तंत्र है, तंत्रिका तंत्र पर उनका असर रहता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेल्स का, न्यूरॉन्स का, तो उस कम्युनिकेशन को ही वो ब्रेक कर देती है, तो आपके दिमाग तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंचते हैं जो नेगेटिविटी वाले। तो जैसे ही वो सिग्नल ब्रेक हुए तो आपको लगता है कि अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर समाप्त होता है वही सिग्नल दोबारा मिलने लग जाते हैं, और फिर आपको वही महसूस होने लग जाता है, फिर दवाइयां लेते हो, ऐसे दवाइयों को लेने की आदत पड़ जाती है, फिर दवाइयों को छोड़ने के लिए भी दवाई लेनी पड़ती है, कि अब ये दवाइयां हैं इनको छोड़ूं कैसे, उसके लिए फिर से दवाइयां हैं, वो भी तो दवाइयां ही बढ़ती रहती हैं, ये भी एक परेशानी है। वो दवाइयां छोड़ना भी पाप वैसा है, वैसा एकदम नहीं छोड़ सकते हैं वो दवाई। हाँ, उनको एकदम छोड़ना भी। फिर मैं सोचा भी था कि ये दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी तो नहीं है ऐसे। हाँ। बुखार नहीं है ये, कि चलो बुखार है तुम्हारे को। हाँ, वो तो शरीर में वायरस है ना, वायरस उसको है, तो दवाइयां मार सकती हैं, मार सकती हैं ये दवाइयां, मन के वायरस को दवाइयां कैसे मारेंगी, ये नहीं मार सकती। मैं बोला ये तो डॉक्टर खाली फालतू के ऐसा, मेरे एक भाई को पूछा था तो उन्होंने बोल रहे थे, एक डॉक्टर बोलता है मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोला था कि मेरे मन में ऐसे गंदे विचार आते हैं, तो उन्होंने बोले थे, मैं बोला सर मेरे को ऐसा है ना डिप्रेशन में, बोलता डॉक्टर तुम डिप्रेशन में तो है ही नहीं, तुम अच्छे आदमी, तुम डॉक्टर के पास जाओगे ना को तुम ऐसा, मगर मैं जाता हूँ कहीं को, फिर है ना डॉक्टर बोलते हैं तुम ना कोर्स पूरा ही नहीं करे, दूसरे डॉक्टर के पास अभी कहीं भी गए तो ऐसा, तो मैं वो डॉक्टर को एक तो मैं उसको छोड़ा भी नहीं था, वो डॉक्टर को था 2.5 साल तो उनके पास ही गया था मैं ऐसा। तुम्हारी वीडियो से आने से पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने बताया थे CTP उसमें लिख के दिए थे, तो मैं बोला उन्होंने बोले थे इससे भी तुम ठीक नहीं होगे, थोड़ा आराम मिलेगा उसके बाद में भी ये दवाइयां ही चलेंगी ऐसा, तो मतलब ये फायदा ही क्या है, ये इतना 25 आदमी वो दवाइयां खाते हैं ना, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहना, बोले तो इससे तो मेरे को ठीक नहीं हो रहा, ये तो कर सकती है ना ऐसा, ये रोड से आने का है तो ये रोड से ये मन में बात आ रहा है तो ये नहीं आना, बोल के दवाई तो ठीक नहीं कर सकती विचार को, तो ऐसा बोल के मैं फिर तुम्हारा वीडियो देख के ही आया इधर। देखो दवाइयों में आपने लगभग कितने पैसे बर्बाद कर दिए होंगे? बहुत हो गया सर, अंदाजन 2-3 लाख रुपए तो हो गया। मैं घर में भी नहीं बताया कि मेरे को क्या है, मैं बोलता हूँ मेरा ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा, थोड़ा मेरे दिमाग में थोड़ा ऐसा है ऐसा है, मैं ऐसा बोल देता घर में, यही नहीं बोलता था कि मेरे दिमाग में मेरी बच्ची के लिए ऐसे गंदे विचार आते हैं, वो विचार आते हैं, मैं घर में भी नहीं बोलता था ऐसा, ये तो बोलेंगे इन्हों तो पागल ही हो गया, ये कहाँ से बात कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसा बोलेंगे, मैं ये भी नहीं बोला था घर में।
यही तो विडंबना है ना कि मानसिक परेशानियों को कोई समझता ही नहीं है। मानसिक बीमारियों को तो हम बीमारी ही नहीं मानते हैं। ये भाई बोल रहे थे, अरे क्या डॉक्टर के पास जा रहा, तो छोटे को डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो ना अपना धंधा बना लिया है और वहीं से ही दवाई लेना, वहीं से ही पीस लेना, वो दवाई मिलती भी नहीं है, ऐसी दवाई है थी वो। अच्छा हाँ, उनका तो वो स्पेशल उनका कनेक्शन होता है ना। हाँ, वो दवाइयाँ उन्हीं के जो मेडिकल वाले मेडिकल उनके पास ही मिलता है, नहीं तो बाहर जाओगे तो एक मिलेगा तो एक नहीं मिलेगा, एक मिल जाएगा तो एक नहीं मिलेगा। वो लिखते वही है ना जो उस मेडिकल पर, वो दूसरी थोड़ी ना लिखेंगे जो कॉमन साल्ट है जो सबके पास मिल जाए। मैं उनको पूछा था ये दवाइयाँ कब बंद होंगी, तो उन्होंने बोले ये दवाइयाँ का तो कोई नहीं बता सकते, कब तक तुम्हारी ओसीडी खत्म हो सकती है ये नहीं बता सकते। मैं सोचा ये दवाइयाँ तो मेरी ओसीडी खत्म होने वाली नहीं है, विचार तो कुछ ऐसा उनके पास ही जाना पड़ेगा तो ही ठीक हो सकता हूँ उनके। मैं देखा है उधर भी देखा था, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं मिला था ऐसे। हाँ वहाँ काफी अच्छे हैं, लेकिन वो क्या कि कुछ यूट्यूब पर नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे क्या लगभग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, नहीं कुछ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब पर हैं, और काउंसलर तो कोई इक्का दुक्का ही यूट्यूब पर कोई भी नहीं दिखेगा काउंसलर तो सब। हाँ, हमारा वीडियो ही तो दिलबाग सिंह है ना, उनका वीडियो ज्यादा दिखता है सर। हाँ, बाकी की तो कोई नहीं वो उससे थेरेपी ये थेरेपी ऐसा जो तुम वीडियो में समझाते हैं ऐसे नहीं समझाते वो लोग। हाँ, वो ऐसा नहीं बताते, क्योंकि देखो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लगभग जॉब में होते हैं, तो 100 में से 99.99% क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब में होते हैं, या तो सरकारी जॉब में या प्राइवेट में, प्राइवेट जॉब में। तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, उनको पैसा अच्छा खासा मिलता है, वो अच्छा खासा पैसा मिलता है तो वो सोशल मीडिया पर मत्था मारते ही नहीं है। नहीं मारते सर। हाँ, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनाते हैं। बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ज्ञान है, स्किल है। इलाज लेता हूँ उनका एक हफ्ते के बाद में, 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में ऐसा मिलता है अपॉइंटमेंट ऐसा। हाँ, बहुत लंबा अपॉइंटमेंट मिलता है। बहुत लंबा मिलता है वो, तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने बोले थे कभी तुम्हारे को आना है, तुम्हारा नंबर भी निकलेगा तो तुम सुबह जल्दी आ जाना है, और मेरे को चेहरा दिखा दिया तो मैं काउंटर में बोल दिया करूँगा ऐसा। हाँ, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा बता दिया कि तुम्हारे दिन में ऐसा आता है, ऐसे विचार आते होंगे, ऐसे विचार आते होंगे, ऐसे विचार आते होंगे। मैं बोला, उन्होंने बोले जो पूरा ऐसा ही था। हाँ, मगर वो दवाइयों से मेरे को कुछ असर नहीं पड़ा। वो क्या था, वो डायग्नोज कर रहे थे कि आपको बीमारी क्या है, उसके बाद वो साल्ट जोड़ते हैं उसमें, दवाइयां ही जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आपकी सही थेरेपी काउंसलिंग होती तो आप ठीक हो गए होते। तो अब देखो जिस हॉस्पिटल में दवाइयां मिलती हैं वहां पर काउंसलिंग थेरेपी वो क्यों करवाएंगे या क्यों करने देंगे, क्योंकि अगर आप बिना दवाई ठीक हो जाओगे तो उनकी दवाइयां कैसे बिकेंगी, उनके पास कौन जाएंगे ना सर। हाँ, 1000 रुपए कौन भरे, मैं तो महीने में ना जाता हूँ, तो महीना तो उन्होंने बोल रहे थे मेरे को है ना, तो कहीं उनके पास जा रहे डॉक्टर के पास जाओ तो तुम उन्होंने तो दवाई लिख के देंगे ऐसा, उसका फीस ही होना, तो उन्होंने क्यों बोलेंगे तुम ठीक हो जाओ जल्दी। हाँ, वो थोड़ी ना कहेंगे तुम थेरेपी से ठीक हो। वो तो जो साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, जो साइकेट्रिस्ट, उसका ये काम होता है डायग्नोज करना, क्योंकि उसका एक ही काम है कि रोग डायग्नोज करना, इसको कौन सा रोग है, उसके वो सिम्टम लिख देते हैं पर्ची के ऊपर। उसमें ना क्या कि सीटीआर का कि लिख दिए थे ये करा लेना बोल के, ऐसा है कितना खर्चा आएंगे बोलते 25,000 सर, इतना मैं नहीं भर सकता बोल के मैं बोला था ऐसा, तो नहीं भर सकते हैं तो गवर्नमेंट में जा सकते हो ऐसा बोले थे। फिर मैं बोला था गवर्नमेंट में गए तो भी दवाई खाना पड़ेगा, मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वो है ना, फिर जाके फायदा क्या है वहां पर गवर्नमेंट भी जाके भी, तो आप ही ठीक कर सकते हो और नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, आप में से ही ठीक होगे, ये भी मैं बता दूं, और मुझसे ठीक होकर ही जाओगे आप, कल पूरे ठीक हो जाओगे, परसों का आधा दिन तो हम वैसे ही मस्ती में बिताएंगे। अच्छा, हाँ, कि आप ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कितना आनंद, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, उसको व्यक्त करोगे परसों तो। अच्छा, बस ओसीडी को आप कह दो कि तू आज आज की मेहमान है, उसको कह दो कि जितने विचार आने मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति, बेटी माँ बहन जिसके प्रति आने हैं आ जाओ, या तो आज आज जितने आने आओ, अब ऐलान कर दो, ओसीडी को खुला चैलेंज दे दो, विचारों को चुनौती दे दो कि आज तुम
आ सकते हो, आज तुम्हें खुली छूट दे रहा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम आओ, क्योंकि आज आज तुम आ सकते हो, कल से तो तुम्हारा अंत होने वाला है, इसलिए उनको कह दो कि आज जितने आने हैं। इसलिए मैं सर मैं आपको उस दिन फोन कर रहा था, ना दवाइयां लेना क्या या नहीं लेना का, तो उस दिन भी तुम बोले थे ना दवाइयां तो ले लो बोल के, तो फिर मैं वो एकदम बंद नहीं कर सकते ना। अच्छा, क्योंकि एकदम दवाइयां अगर छोड़ते हैं तो गड़बड़ होती है। अच्छा, तो दवाइयों के विषय में मैं बताता हूँ भी क्या दिक्कत है, भी एकदम से दवाइयां छोड़ेंगे तो क्या उसके दुष्परिणाम आते हैं वो बताता हूँ। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, हर रोज है। न्यू वीक।